दिल्ली में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। पटना के दीघा घाट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। छठ व्रतियों ने दिया उगते हुए सूर्य को अर्घ। छठ महापर्व का हुआ समापन। कानपुर में भी उगते सूर्य को अर्घ देने की अनुपम छठा। गंगा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ। प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने अर्घ दिया। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ पूजा की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व का समापन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। नोएडा स्टेडियम में अर्घ के साथ छठ का समापन हुआ। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का सदस्य। पप्पू यादव के पीए ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज कराई शिकायत। मैसेज बुधवार रात 2 बजे और फिर गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब आया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। अनुच्छेद 370 को लेकर एनसी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़े। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। AQI 406 दर्ज किया गया। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AQI बेहद खराब श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग नजर आया।